हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे इस वीडियो में कि हम किसी भी ऐप को अपने एसडी कार्ड में कैसे मूव करें। किसी भी ऐप को हम एसडी कार्ड में मूव कर सकते हैं, उसके लिए फ्रेंड्स हमें एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी। और चलिए हम उस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से सिंपली डाउनलोड कर लेते हैं। हम यहाँ से सिंपली अपने प्ले स्टोर को ओपन कर लेते हैं और प्ले स्टोर ओपन होने के बाद फ्रेंड्स हमें यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। अब हमें सिंपली यहाँ सर्च पर क्लिक करना है और सर्च पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर सर्च करना है APK एक्सट्रैक्टर। आपको इसको सर्च करना है और सर्च करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। अब आपको जो भी यहाँ पे एक पहला एप्लीकेशन दिख रहा है, आप सिंपली इसे डाउनलोड कर लीजिए। इस एप्लीकेशन का आप आइकन देख लीजिए, यहाँ पे कुछ इस तरह का है। और डाउनलोड करने के बाद आप हम यहाँ से सिंपली बैक आ जाते हैं और ये देखिए एप्लीकेशन फ्रेंड्स आपको कुछ इस तरह का दिखेगा। कुछ इस तरह का इसका इंटरफेस है। अब हम सिंपली इसे ओपन करते हैं और ओपन होने के बाद हमें यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलता है। अब हमें यहाँ पर अपनी सारी एप्लीकेशन दिख जाती है जो हमारे मोबाइल में है। आप सिंपली किसी भी एक एप्लीकेशन को यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं और उसे आप एक APK में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमें अभी यहाँ पे एक ब्रेन इन आउट का एक एप्लीकेशन है, हम सिंपली इसे यहाँ पे क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे हमारे APK में कन्वर्ट हो चुका है। अब हम सिंपली बैक आ जाते हैं और बैक आने के बाद हम सिंपली यहाँ पर फाइल मैनेजर पर क्लिक करेंगे और फाइल मैनेजर पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। अब आपको सिंपली यहाँ पर स्टोरेज पर क्लिक करना है और स्टोरेज पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे इंटरनल स्टोरेज में जाना है और फिर आपको सिंपली यहाँ पे एक फोल्डर मिलेगा एक्सट्रैक्टर APK। आपको सिंपली इसे ओपन करना है और ओपन करने का सेंस देखिए आपको यहाँ पे जो भी आपने एप्लीकेशन को APK में कन्वर्ट किया था वो यहाँ पे आ चुका है। तो फ्रेंड्स आप सिंपली आप इस पर क्लिक करेंगे और फिर आपको यहाँ पर एक मूव का ऑप्शन दिखेगा। और अगर आपको मूव का ऑप्शन नहीं दिख रहा तो आप यहाँ 3 डॉट पर क्लिक करके सिंपली मूव के ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। हम यहाँ पे मूव पे क्लिक करते हैं, उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे एक SD कार्ड का फोल्डर दिख रहा है, आपको इसे ओपन करना है और ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे इसे किसी भी एक फोल्डर में पेस्ट कर देना है या फिर हम यहाँ पे अभी एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं और इस फोल्डर में कुछ भी आप यहाँ से नाम रख सकते हैं फ्रेंड्स इसका। हम यहाँ पर अभी APK यहाँ पर कर देते हैं और सिंपली इसे ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद फ्रेंड्स ये फोल्डर हमारा यहाँ पर बन चुका है। अब आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ एक पेस्ट का ऑप्शन दिख रहा है, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। अब ये यहाँ पे हल्का लोडिंग लेगा फ्रेंड्स और लोडिंग लेने के बाद ये देखिए APK हमारा जो है हमारे SD कार्ड में सेव हो चुका है। तो फ्रेंड्स अब इस APK को हम अगर यहाँ से इंटरनल स्टोरेज में से देखें तो यहाँ से मूव हो चुका है। और हम अभी देखें फ्रेंड्स यहाँ पर देखते हैं इंटरनल स्टोरेज में एक्स्ट्रा APK फोल्डर में, तो ये APK यहाँ पर नहीं है। बट हम अभी यहाँ पे देखते हैं SD कार्ड में सिंपली सेलेक्ट करते हैं और जो भी हमने एक फोल्डर बनाया था उस पर हम क्लिक करते हैं तो हमारे ये यहाँ पे शो हो रहा है। तो फ्रेंड्स आप सिंपली आप इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आप इसे सिंपली कभी भी यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप किसी भी ऐप को APK में कन्वर्ट करके अपने SD कार्ड में सेव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक करके अपने क्वेश्चन को कमेंट करना ना भूलें।